नमस्कार, मैं हूँ सुनील बॉबी। मगध संवाद में आपका स्वागत। अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना। आज की खास खबर रौनियार बैस महासभा से। रौनियार ने मांगा राजनीतिक हिस्सेदारी। सरकार के द्वारा रौनियारों की जा रही है हकमारी। रफीगंज में रौनियारों ने संघर्ष की शंखनाद। रफीगंज में आयोजित हुआ रौनियार मिलन समारोह। राजू गुप्ता, विशाल आनंद सहित रौनियार के कई दिग्गज नेता हुए शामिल। अब खबर विस्तार से। औरंगाबाद जिले के रफीगंज प्रखंड मुख्यालय में आज मंगलवार को हाई स्कूल के मैदान में रौनियार बैस मिलन समारोह का आयोजन अखिल भारतीय रौनियार बैस महासभा के द्वारा किया गया। समारोह की अध्यक्षता रफीगंज के विनोद प्रसाद ने की, जबकि मंच संचालन राजू गुप्ता एवं राजेश प्रसाद ने किया। मिलन समारोह में रौनियारों को संबोधित करते हुए महासभा के राष्ट्रीय संरक्षक राजू गुप्ता ने कहा कि आज राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में रौनियारों को दरकिनार कर दिया गया है। सरकार रौनियारों की हकमारी करना बंद करे। अब रौनियार बैस समाज जाग चुकी है, अब अपना हम हक लेकर रहेंगे। वहीं महासभा के राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष विशाल आनंद ने कहा कि रफीगंज से संघर्ष की शंखनाद करते हुए कहा कि 30 दिसंबर को पटना के बापू सभागार में रौनियार साथी पहुंचकर अपनी हक मांगेंगे। अगर हमें अपनी हक हिस्सेदारी सरकार द्वारा नहीं मिलती है तो संघर्ष और तेज होगा। हम अपनी हक लेकर रहेंगे। मिलन कार्यक्रम में सैकड़ों रौनियारों के साथ सुनील गुप्ता और औरंगाबाद जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश गुप्ता शामिल रहे। हमारे साथ फोन लाइन पर अब मौजूद हैं महासभा के राष्ट्रीय संरक्षक राजू गुप्ता जी और राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष विशाल आनंद जी। सुने वह क्या कहते हैं जी। हम मगध संभाग से सुनील बॉबी बोल रहे हैं सर जी। आप अखिल भारतीय रौनियार बैस महासभा के प्रदेश संरक्षक व जदयू के संरक्षक जी जदयू के प्रदेश सचिव भी हैं जी। आपसे हम यह जानना चाहते हैं कि औरंगाबाद जिला के रफीगंज प्रखंड मुख्यालय में आपके नेतृत्व में एक सम्मेलन कराया गया। यह सम्मेलन किस मुद्दे को लेकर कराया गया सर? यह सम्मेलन रौनियार समाज के आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक रूप को देश में एक पहचान मिले, इसके लिए कराया गया है जी। और यह सम्मेलन के माध्यम से हम लोग पूरे पॉलिटिकल पार्टियों को बताना चाहते हैं जी कि हिंदुस्तान में 56 उपजातियों में रौनियार भी एक जाति है, इसका भी राजनीतिक सम्मान मिले, सामाजिक सम्मान मिले जी। जो आपके द्वारा सर, आपके संगठन के द्वारा, संस्था के द्वारा जो 30 दिसंबर को पटना बापू सभागार में जो महासम्मेलन का आयोजन किया कराया जाएगा, उसमें आप क्या सरकार को संदेश देना चाहते हैं उसके माध्यम से? हम लोग सरकार को संदेश देना चाहते हैं कि हमारी जाति जो है बहुत ही गरीबी रेखा के नीचे है, इस जाति को भी अति पिछड़ा में शामिल किया जाए और इस समाज को भी जी आबादी के हिसाब से हम लोग को भी सत्ता में भागीदारी मिलनी चाहिए जी। मगध संभाग से मैं सुनील बॉबी बोल रहा हूँ जी। आप अखिल भारतीय रौनियार बैस महासभा के राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष विशाल आनंद जी हैं जी। आपसे हम जानना चाहते हैं कि आज औरंगाबाद जिला के रफीगंज प्रखंड में आप लोगों के द्वारा, आपके नेतृत्व में एक मिलन समारोह का आयोजन किया गया, या मिलन समारोह को हम लोग किस रूप में देखें या माने? बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी। जी हमारी ये सभा 30 दिसंबर को बापू सभागार में चलने के लिए लोगों को आह्वान करने के लिए थी जी। हम लोग 30 दिसंबर को बापू सभागार में जाकर सरकार और राजनीतिक दलों को अपनी और सामाजिक और राजनीतिक भागीदारी के लिए ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं। आज हमारे अन्य व्यस्त घटक दल जैसे हलवाई, तेली, पनेरी अन्य सरकार पर दबाव बना के अति पिछड़ा वर्ग में शामिल हो गए हैं, लेकिन हम सभी रौनियार बैस जिनकी आबादी सारे बैस उपजातियों में सबसे ज्यादा है, सामाजिक और राजनीतिक भागीदारी के लिए हम लोग तरस रहे हैं। हमारा एक भी विधायक नहीं है जी। हमारे समाज के एक भी व्यक्ति को पिछले विधानसभा में और लोकसभा में टिकट नहीं मिला, ये हम लोगों की घोर उपेक्षा है जी। हम राजनीतिक दलों को चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर हमारी उपेक्षा करेंगे तो हम लोग और हमारी संख्या के मुताबिक हमें भागीदारी नहीं देंगे और हमारी स्थिति को देखते हुए हमें अति पिछड़ा वर्ग में नहीं शामिल करेंगे। यदि इस बार पुनः उन्होंने हमारी उपेक्षा की तो हम लोग किसी भी राजनीतिक दल को वोट नहीं करेंगे
और जो हमें भागीदारी देगा हम उसी को समर्थन करेंगे। जी, यानी कि 30 दिसंबर को आप लोगों के द्वारा यह आगाज कर दिया जाएगा कि हम लोग संघर्ष शुरू कर चुके हैं, अगर हमारी भागीदारी नहीं, हमारी हक नहीं मिल पाया तो हम संघर्ष और तेज करेंगे। जी सुनील बाबू जी, हम लोग सरकार को बताना चाहते हैं कि रोनियार अब जग गया है, हमें अपनी भागीदारी के मुताबिक, संख्या के मुताबिक भागीदारी दीजिए, नहीं तो हम लोग सत्ता को उखाड़ फेंकेंगे। जी आप जी रोनियार वैश्य महासभा के युवाओं के लिए आपका क्या संदेश होगा सर? युवाओं तो किसी भी देश के इंजन होते हैं युवा। जी और हमारी संस्था के भी इंजन है युवा। युवा ही दौड़ते हैं, युवा ही मेहनत करते हैं, हम युवा ही इस सभा को सफल बनाएंगे और हम सभी युवाओं को आह्वान करेंगे कि हम अपने भविष्य के लिए, क्योंकि हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं वो तो अपनी जिंदगी जी चुके हैं। जी अब हमारे सामने हमारी जिंदगी है, तो हम लोग अपने भविष्य के लिए, अपने बाल बच्चों के भविष्य के लिए, हम लोग इस भागीदारी को लेने के लिए अपनी सारी ताकत लगा देंगे और सारे युवाओं को कहेंगे कि आप एक दिन का समय निकाल के सरकार को चेतावनी देने, 30 दिसंबर को बापू सभागार में पहुंचिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, मगध संवाद की ओर से आपको बधाई और शुभकामनाएं भी है कि आप अपनी जीत में आगे की ओर बढ़े, इन्हीं शब्दों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद सुनील जी। मगध संवाद में आज बस इतना ही, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और रोनियार बंधुओं से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें।